अमित शाह स्वागत देंगे टर्मिनल की और उसके बाद जनता को संबोधित भी करेंगे, सुनेंगे। यह नया एयर टर्मिनल और इस एयर टर्मिनल के बाद इस पूरी परियोजना को हम रेखांकित कर रहे हैं एक फिल्म के माध्यम से। फिल्म के प्रसारण हेतु अनुरोध है। ग्वालियर एक ऐसा शहर जो अपने में कई युगों की तस्वीरें, प्रगति के कई पहलू और संस्कृति व परंपराओं की कई गाथाएं समाये हुए हैं। जो मध्य भारत की राजधानी के रूप में स्थापित था, जहां तान से इनके स्वर आज भी राग बनकर गूंजते हैं, जहां के मोती महल में उस समय के विधानसभा की महत्वपूर्ण बैठकें व रौनकें इतिहास के पन्नों में अंकित हैं, जहां सिंधिया राजवंश ने संस्कृति, उद्योग, शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार व क्षेत्रीय प्रगति को केंद्र में रखकर कार्य किया, वो ग्वालियर आज बीते कल के सौंदर्य को समेटे आधुनिकता एवं उन्नति की ओर अग्रसर है। आज जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के यशस्वी नेतृत्व में 5 प्रणों को साथ लिए भारत एक विकसित राष्ट्र बनने के बड़े संकल्प की ओर पूरे जोश से अपने कदम बढ़ा रहा है, ग्वालियर भी उस विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए पूरी तरह तैयार हो रहा है। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत शहर का समग्र विकास किया जा रहा है और इसी दिशा में ग्वालियर एयरपोर्ट का राजमाता विजयाराज सिंधिया टर्मिनल भी एक नया रूप लेकर आगे बढ़ रहा है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा ग्वालियर एयरपोर्ट में स्थानीय कला से परिपूर्ण एक विश्व स्तरीय सिविल इंक्लेव के विस्तार का कार्य किया जा रहा है। 450 करोड़ से अधिक की लागत से होने वाले इस विस्तार में नए टर्मिनल भवन का निर्माण वर्तमान टर्मिनल से 6 गुना अधिक क्षेत्रफल में होगा। हवाई अड्डे के मास्टर प्लान के अंतर्गत यह विस्तार अगले 15 से 20 वर्षों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। वह प्राधिकरण द्वारा 142 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर आने वाले कई दशकों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए प्रावधान किया गया है। नया एयरपोर्ट टर्मिनल भवन वर्तमान के 200 यात्रियों की तुलना में एक साथ एक बार में 1400 यात्रियों का प्रबंधन करेगा। साथ ही विमानों को पार्क करने की सुविधा भी 4 से बढ़कर 13 हो जाएगी। यहां 4 पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिजेस भी बनेंगे और इस हवाई अड्डे से प्रति घंटा 10 विमानों का संचालन हो सकेगा। एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन को मध्य प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, लोक कला और प्रख्यात विभूतियों के चित्रों से सुसज्जित किया जाएगा। आज मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु एवं इंदौर इत्यादि से जुड़ा ग्वालियर आने वाले समय में देश के अन्य भागों से भी जुड़ जाएगा, जिससे पर्यटन को तो बढ़ावा मिलेगा ही, शिक्षा के प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहे ग्वालियर के विकास में तेजी आएगी तथा रोजगार एवं औद्योगिक प्रगति को भी प्रोत्साहन मिलेगा। कि मैं चाहता हूं कि हवाई जहाज में हवाई चप्पल वाले लोग दिखाई दें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में शुरू की गई महत्वाकांक्षी योजना उड़े देश का आम नागरिक उड़ान के अंतर्गत देश के क्षेत्रीय भागों को भी हवाई मार्ग से जोड़ने के स्वप्न को साकार करते हुए ग्वालियर भी आसपास के अन्य शहरों से जुड़ जाएगा, जिससे क्षेत्र के आम नागरिक का ग्वालियर तक आवागमन सुगम हो सकेगा। सितंबर 2023 तक इस परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। नए भारत की समग्र विकास यात्रा में सशक्त भूमिका निभा रहे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के कर कमलों द्वारा नए टर्मिनल का शिलान्यास, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय नागर विमानन व इस्पात मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया तथा अन्य गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति में किया जा रहा है। आइए ग्वालियर के नए एयरपोर्ट टर्मिनल से होने वाले ग्वालियर के चहुमुखी विकास का स्वागत करें।
जल जीवन मिशन के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास मैं अनुरोध कर रहा हूं माननीय मुख्य अतिथि महोदय से लोकार्पण और शिलान्यास के लिए। मरीखेड़ा समूह जल प्रदाय योजना शिवपुरी से, बसई समूह जल प्रदाय योजना शिवपुरी दतिया की संयुक्त योजना, महुअर समूह जल प्रदाय योजना, राजघाट समूह जल प्रदाय योजना, साड़ा समूह जल प्रदाय योजना, नरहेला समूह जल प्रदाय योजना और बसई समूह जल प्रदाय योजना। इस प्रकार से इन योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास माननीय मुख्य अतिथि महोदय के माध्यम से हम सबके लिए सौभाग्य के क्षण हैं। ग्वालियर भूमि के लिए एक ऐतिहासिक संयोग है। गौरव से स्पंदित कर देने वाला यह अवसर है कि समग्र राष्ट्र का एक विराट व्यक्तित्व हमारे बीच है, जिसके व्यक्तित्व की आभा से संपूर्ण देश में राष्ट्रवाद की अलख प्रज्वलित है, जिसके होने से हमारा घर सुरक्षित है, हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं, राष्ट्र का मान और प्रतिष्ठा सुरक्षित है, एकता और अखंडता अक्षुण है। राष्ट्र के दीर्घकालीन और जटिल विषयों को जिन्होंने अपने अदम्य साहस एवं रणनीति से निदान दिया है, जिनकी कार्यप्रणाली से हमारे दुश्मन आतंकित हैं और हमारे दोस्त आशान्वित हैं, ऐसे भारत भूमि के लाडले सपूत और यशस्वी जननायक को हम उद्बोधन के लिए बड़े ही सम्मान और आग्रह के साथ आमंत्रित करते हैं। हमारे देश के केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी, तालियों की असीम गड़गड़ाहट से हम उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। भाई ऐसी आवाज नहीं चलेगी, मोदी जी तक आवाज जानी चाहिए। पूरा मंच और सामने बैठे हुए सभी लोग दूर दूर तक दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाइए, अपनी मुट्ठी भींचकर प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह चौहान जी, मेरे मित्र और इसी क्षेत्र के दिग्गज नेता श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी, जिनके निमंत्रण पर मैं आज यहां आया हूं, ऐसे श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी, तुलसी सिलावट जी, यशोधरा राजे सिंधिया जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय जो सांसद भी है खजुराहो के, श्री गोविंद राजपूत जी, श्री प्रद्युमन सिंह जी, श्री अरविंद सिंह भदौरिया जी, श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, श्री भारत सिंह कुशवाहा जी, ब्रिजेंद्र सिंह यादव जी, श्री सुरेश धाकर जी, हमारे श्री केपी यादव जी, श्रीमती संध्या राय जी, हमारे ग्वालियर के सांसद महोदय और आज इस विराट सभा के अंदर आए हुए ग्वालियर चंबल संभाग के सभी भाइयों बहनों और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों को मेरा नमस्कार प्रणाम। मित्रों, अभी अभी शिवराज जी ने कोई बड़ा यज्ञ कराया लगता है, हर रोज मध्य प्रदेश सुर्खियों में है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी स्वयं आए थे और श्री महाकालेश्वर के वहां महाकाल कॉरिडोर का लोकार्पण कर गए। भगवान महाकाल सदियों से समग्र देश के लिए आस्था का केंद्र रहे। ये उज्जैनी नगरी गुप्त साम्राज्य के समय से भारत की कला का संस्कृति का केंद्र रही। यहीं से वीर विक्रम की बातों को आज भी बच्चा बच्चा जानता है। मित्रों, वो उज्जैन में अद्भुत नजारा मैं अतिशयोक्ति नहीं करता, मेरे जीवन में मैंने ऐसा भव्य नजारा नहीं देखा जब महाकाल लोक का लोकार्पण हुआ। प्रधानमंत्री जी ने देश की 130 करोड़ की जनता की ओर से
बड़ी श्रद्धा के साथ महाकाल का पूजन अर्चन भी किया। और आज जब भी मैं वो क्षण को याद करता हूं तब याद आता है कांग्रेसियों ने इतने साल राज किया, ना केदारनाथ का उद्धार किया, ना बद्री धाम का, ना उज्जैन का, ना काशी विश्वनाथ का, उन्होंने भारत की सांस्कृतिक विरासत को खस्ता हाल में डाला था। प्रधानमंत्री जी ने तुष्टिकरण की राजनीति का त्याग कर धड़ल्ले से हमारे सभी मान बिंदुओं का सम्मान किया और उनको सदियों सदियों तक श्रद्धा से लोग देखने आए, इस प्रकार के वातावरण की निर्मित की। मित्रों, आज मैं यहां पर ग्वालियर में आया हूं। मैं ग्वालियर में आया हूं तब सबसे पहले महाजी सिंधिया की वीरता को प्रणाम कर नमस्कार करना चाहता हूं। शिवाजी महाराज ने जो स्वदेश का, स्वराज का मंत्र जगाया था, पूरे उत्तर भारत में अनेक यातनाएं और कष्ट बैठकर झेलकर महाजी सिंधिया ने उसको आगे बढ़ाने का काम किया था। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बड़े बचपन से हूं। यही भूमि की दो विभूति श्रीमंत विजया राजे सिंधिया जी, राजमाता जी और हमारे कुशा भाऊ जी भारतीय जनता पार्टी का छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी श्रीमंत विजया राजे जी को और कुशा भाऊ जी को कभी भूल नहीं सकता। अनगिनत उपकार ये दोनों महान विभूतियों का भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की पीढ़ियों के कार्यकर्ताओं पर पड़े। अटल जी ने भी इसी भूमि को अपनी कर्म भूमि बनाया और अटल जी ने समग्र देश के अंदर पहली बार भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री बनकर आज एक संदेश दिया था कि भाजपा की सरकार कैसी हो सकती है। हालांकि संयुक्त सरकार थी, फिर भी एक बड़ा संदेश उन्होंने देने का काम किया था। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं एक आधुनिक से आधुनिक राजमाता विजया राजे सिंधिया एयरपोर्ट का भूमि पूजन आज हम सब ने मिलकर किया है। मैं सिंधिया जी को बधाई देना चाहता हूं क्योंकि जिस शिद्दत से, साथ बारीकी से इन्होंने एयरपोर्ट का प्लानिंग किया है, मुझे लगता है देश के सबसे अच्छे हवाई अड्डों में ये हमारा ग्वालियर का एयरपोर्ट होगा। इसके साथ साथ यहां पर कई लोगों को ग्रामीण और शहरी प्रधानमंत्री आवास का लोकार्पण किया गया, उनको घर की चाबी दी। मित्रों, हम सब समझते हैं एक गरीब घर की व्यक्ति के लिए अपना घर एक स्वप्न होता है और प्रधानमंत्री जी ने चाहे शहर हो चाहे गांव हो, हर गरीब को घर मिले, ये लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के सामने दिखा है। बीच में यहां थोड़ा समय कमलनाथ जी की सरकार आई, आई थी ना भाई, जरा जोर से बोलो, आई थी ना, अनुभव कर लिया ना, हो गया ना, सारी योजनाएं बंद कर दी थी। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए ना शहरी के लिए ना ग्रामीण के लिए चार आना भी नहीं दिया, सारी योजना बंद कर रख दी। फिर से शिवराज जी मुख्यमंत्री बने और आज योजना अपनी पटरी पर चढ़ गई। मैंने आते ही शिवराज जी को कहा, शिवराज जी उन्होंने जो किया वो किया, ये सारी योजनाएं थोड़ी पीछे पड़ गई है, क्या करोगे? उन्होंने कहा, मोदी जी ने कहा है
द्रुत गति से करना है, तेज गति से करना है, और जो नुकसान हुआ है वो भरपाई कर 24 के पहले लक्ष्य पूरा कर देना है मित्रों। इसी तरह यहां से चंबल की नदी जा रही है भाई, ग्वालियर चंबल संभाग से ही लाखों करोड़ों गैलन पानी यहां से जमुना जी में, जमुना से गंगा जी में, ने गंगा जी से बंगाल तक जाता है, मगर यहां हर घर में पानी नहीं पहुंचता। प्रधानमंत्री जी ने एक योजना बनाई, हर घर नल से जल, गरीब से गरीब व्यक्ति के घर में नल से जल पहुंचाने का कार्यक्रम किया, उसको भी कमलनाथ जी ने बंद कर दिया था। थोड़ा लेट हो गया मगर शिवराज जी ने उसको चालू किया और लगभग 4200 करोड़ के काम अकेले ग्वालियर चंबल संभाग में आज शुरू हुए। मित्रों, जो एयरपोर्ट बना है 25,000 वर्ग मीटर का बिल्टअप एरिया, 1,60,000 पैसेंजर से 11,00,000 पैसेंजर का क्षमता का विस्तार, 2.5 गीगावाट सोलर पावर के साथ ग्रीन एनर्जी से संचालित एयरपोर्ट, और एक साथ 1400 से ज्यादा यात्री को चढ़ाने की और उतारने की व्यवस्था यहां पर बनी है। इसके साथ साथ यहां कार्गो टर्मिनल भी बना है जो ग्वालियर चंबल संभाग के सभी एमएसएमई का, लघु उद्योगों का माल, उनका उत्पाद पूरे विश्व के अंदर भेजने के काम आएगा, जिससे इस क्षेत्र में रोजगारी भी बढ़ेगी और इस क्षेत्र के अंदर बहुत तेजी से विकास होगा। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा विकास हुआ। सोनिया मनमोहन के समय में 12 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनते थे, अब 37 किलोमीटर बनते। पहले एक साल में 375 किलोमीटर रेल डाली जाती थी, आज 375 से बढ़कर 1458 किलोमीटर। और कृषि, नरेंद्र सिंह जी बैठे हैं, कृषि का बजट जो पहले 27,000 करोड़ था, ताली बजाना जोर से, 27,000 करोड़ से बढ़ाकर 1,24,000 करोड़ रुपया कृषि का बजट। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चौमुखी विकास की ओर आगे बढ़ रही। माताओं, भाइयों, बहनों, सिर्फ विकास नहीं, देश की कई ऐसी समस्याएं जो वर्षों से जिसका समाधान नहीं होता था, आप मुझे बताइए, आप सभी चाहते थे या नहीं चाहते थे कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो? जरा जोर से बोलिए, चाहते थे या नहीं चाहते थे? एक कांग्रेस की सरकारों ने कभी नहीं किया, हमें टाने लगाते थे, मंदिर वही बनाएंगे, तिथि नहीं बनाए बताएंगे। मोदी जी ने, आपने प्रधानमंत्री बनाया दूसरे टर्म में, और तुरंत ही एक भी बूंद रक्त बहाए बगैर भव्य राम मंदिर का शिलान्यास करने का काम किया है मित्रों। और अपने जीवन काल में ही हम एक भव्य आकाश को छूने वाला राम मंदिर अयोध्या की वही भूमि पर देख पाएंगे, ये संभव मोदी जी के कारण हुआ है। शिवराज जी ने कहा कि धारा 370 हट नहीं सकती थी, मोदी जी का ही दृढ़ संकल्प और मनोबल है कि 5 अगस्त 2019 को धारा 370 से हमारे संविधान से उखाड़ कर फेंक दिया, और वो कश्मीर भारत माता का मुकुट बनकर हमारे सामने। राजपथ,
कर्तव्य पथ में परिवर्तित हुआ। कई सारे ऐसे काम जो कभी नहीं हो सकते थे मोदी जी ने किए हैं। मित्रों, सिविल एविएशन क्षेत्र में भी उड़ान को लाए और आज टू टायर और थ्री टायर के हवाई संपर्क के कारण वहां से 1 करोड़ यात्री हवाई यात्रा कर रहे हैं, ये नरेंद्र भाई ने बताया। चंबल ग्वालियर वालों, आप सभी का 3-3 टीका लग गया है या नहीं लग गया है, भाई जरा बताओ, लग गया है या नहीं लग गया है? 1 पैसा भी देना पड़ा है? इतने बड़े देश में 224 करोड़ टीके लगाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने टेक्निक के आधार पर किया, टेक्नोलॉजी के आधार पर किया। और टीका लगाते ही 10 सेकंड में मोदी जी की मुस्कुराती हुई फोटो वाली रिसीट भी आ जाती थी ना भाई। इतना ही नहीं, लगभग 2.5 साल तक देश के हर गरीब को, 2.5 साल तक देश के हर गरीब को मुफ्त राशन देने का काम भी नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। हर गरीब के घर में बिजली, हर गरीब को घर, हर गरीब के घर में शौचालय, 5 लाख तक का स्वास्थ्य का कार्ड और हर गरीब को मुफ्त राशन। नरेंद्र भाई ने 80 करोड़ गरीबों को पहली बार अनुभव कराया है कि आजादी के बाद इनके लिए भी कोई सोचने वाला है। मित्रों, मुझे लंबी बात नहीं करनी है, मैं इतनी ही बात करने आया हूं। मध्य प्रदेश ने एक बार कांग्रेस का अनुभव कर लिया है। कर लिया या नहीं कर लिया भाई? अरे जोर से बोलो, किया या नहीं किया? कैसा रहा? अब फिर से चुनाव आने वाले हैं ना, गलती मत करना। मोदी जी पर भरोसा रखकर, कमल के निशान पर बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मित्रों, आज ग्वालियर शहर के लिए ये बहुत बड़ी सौगात नरेंद्र मोदी जी ने भेजी है। ज्योतिरादित्य इसी विभाग के मंत्री हैं।